हाय एवरीवन, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम अपने घर पर हैं, घर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जाने वाले हैं मंडी के अंदर, वहां पर एक काका और एक काकी है, वहां पर पूरी भाजी बहुत मस्त बनाती हैं और खाने में मज़ा आ जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तुम्हारा भाई का चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइस, अभी हम मंडी के अंदर आ गए हैं। ये मंडी का सबसे पहला रास्ता है, तो वहाँ पर देख लीजिए सामने दुकान है। देख लीजिए गाइस, हम दुकान पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर काका और काकी हैं। यहाँ पर देख लीजिए अभी क्या क्या बन कर रेडी है। यहाँ पर देखिए ये पूरी है, कचौड़ी जैसा छोटा छोटा है, और यहाँ पर देखिए ये भाजी है, यहाँ पर पकौड़ी है प्याज का और आलू। वहाँ पर देख लीजिए लिट्टी, छाना हुआ लिट्टी है। अभी हम देख लीजिए, अभी मंडी, पूरा मंडी के जितने भी मतलब पब्लिक हैं वो सब यहीं पर आते हैं खाने के लिए, पीने के लिए। अभी देख लीजिए, सब अपने अपने मतलब खाली समय में आते हैं, जिसको जैसा खाली समय मिल जाता है। अभी देखिए यहाँ पर काका पूरी को छान पूछते हैं काकी से, बताइए 20 का पूरी भाजी कितना मिलेगा, बोलिए 20 का पूरी कितना मिलेगा? 8 पूरी और सब्जी। और यहाँ पर पता है आपको, आपको मालूम नहीं रहेगा, यहाँ पर हर एक दिन अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ बनती है। बताइए काकी, तनि थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। हाँ, पापड़ी। देखिए ये का इतने सब्जी का नाम ही बता रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। अभी आपको खा कर बताते हैं टेस्ट कैसा है, उसके बाद काकी से और सवाल पूछेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेट से यूट्यूब पे जा रहा है, इसके लिए आपको सॉरी, और उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं गाइस। तो भाई को सपोर्ट। बिहार का फेवरेट डिश जो यहाँ पर लिट्टी छना रहा है आप, इंटरनेशनल। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, सरसों के तेल में मिलाया गया, सरसों के तेल से बनाया गया है चोखा और लिट्टी। देख लीजिए हमारे यूपी बिहार का फेमस डिश खाने में। अभी यहाँ पर देख ली, तो देख लीजिए गाइस, ये सनी है और यहाँ पर ये जब यहाँ पर बचपन से यहीं पर रहा है शहर में, और इसका जन्म यहीं पर हुआ है, ये मंडी में बचपन से इनका काकी का पूरी खा रहा है। तो सनी से सवाल पूछते हैं। सनी बताओ कैसा बनता है यहाँ पर सामान? अच्छा अच्छा बनता है ना। ये किस चीज़ का सब्जी बना है बताओ आज? आलू बैंगन पालक। आलू बैंगन पालक, खाने में तुमको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, खाने में मज़ा आ जाता है। अरे थोड़ा जोर से बोलो भाई, एनर्जी। ये भैया यहाँ पर कैसा बनता है छोला और पूरी? दुनिया का सबसे अच्छा चीज मिलता है, सस्ता और अच्छा। हाँ, इससे अच्छा तुम कहीं नहीं पाओगे। हाँ, ढूंढ ले जाओगे पूरे भारत के कोने कोने में, इससे अच्छा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा चीज बहुत लाजवाब, 20 रुपए में पेट भर जाता है, और 20 रुपए में कोई आज के जमाने में पेट भरने नहीं देता। इस यहाँ पर काका अभी पूरी निकाल रहे हैं, इसको अभी देख लीजिए, यहाँ पर पूरी छना रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए अभी इसमें थोड़ा एकदम लाल लाल हो गया है पूरी, अभी ये कचौड़ी जैसा अभी निकल। देख लीजिए गाइस, अभी हमारा पूरी यहाँ पर लगने वाला है। गाइस हमारा सब्जी यहाँ पर आ गया है एकदम, देख लीजिए सब्जी का क्या क्वालिटी है, ग्रेवी ग्रेवी एकदम दिख रहा है। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर छोला और चटनी, यहाँ पर दो लिट्टी, हमारे यूपी बिहार का फेवरेट डिश, और यहाँ पर पूरी। चलिए बताते हैं आपको कैसे। गाइस एकदम मस्त बना है, और आइए आप खाइए काकी का हाथ का सब्जी बना हुआ, टेस्ट कीजिए, और पूरी और हमारे लिट्टी बहुत मस्त है गाइस, मैं रोज खाता हूँ, मज़ा आ जाता है। खा लिए, बहुत मज़ा आया खाने में। और देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर 20 रुपये में 8 पूरी और 1 प्लेट सब्जी मिलेगा, वहाँ पर पकौड़ी है प्याज का, आलू का भी पकौड़ी भाजी, उसको यहाँ पर भाजी बोलते हैं, और यहाँ पर लिट्टी है, लिट्टी दी 10 रुपये में 2 मिलेगा, उस पर चोखा मिलेगा। चोखा खाने का मन है तो चोखा खाइए, ना तो सब्जी खाइए। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ रोज़ बनती हैं, और देख लीजिए ये काकी, काकी आप इतनी मंडी में कितने साल से रहती हैं?
ये मंडी में? हाँ से। ये मंडी में मतलब कितना साल हो गया आपके? इस अभी नए वाले मंडी में एक साल हुआ, और पुराने वाले मंडी से कितने साल हुआ, मतलब वो मंडी में कितना साल हो गया आपका बताइए? 15 साल हो गया है। 15 साल से काका और काकी यहाँ पर पूरी भाजी का दुकान लगा रहे हैं। वो पुराने वाले मंडी, ये नए वाले मंडी का क्या नाम है? गायत्री मंदिर में इनका दुकान लगता है, इधर है पहले नंबर से इधर। और बताइए कितने बजे से खुलता है, टाइम थोड़ा बता दीजिए अपने दुकान का। 6:30 बजे। 6:30 बजे से कितने बजे बंद हो जाता है? 2 बजे। 2 बजे बंद हो जाता है गाइस। और ये गायत्री मंदिर वाला ये मंडी है, और पुराने वाले मंडी का क्या नाम है? बहुबारी नाम है उसका। और वहाँ पर ये 15 साल का अभी ये मंडी का मतलब कोई ठिकाना नहीं है। और ये पुराने वाले मंडी पर फिर वापिस जाएगा, तो काकी का खाने का मन है तो वहाँ पर पुराने वाले मंडी पर जाइए। अभी फिलहाल नए मंडी पर आइए खाने के पीने के लिए। तो यहीं पर ब्लॉग समाप्त करते हैं। तो तुम्हारा भाई के चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो।